देखेगा बहुत अच्छे लोगों का गांव है, नंदीश्वर की छांव है, यहाँ आनंद उत्सव होते रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी के जाने के बाद मन थोड़ा उदास तो अवश्य रहता है, पर अच्छे दिन सदैव धरती पर बने रहेंगे ऐसा आशीर्वाद भी दे के गए हैं, और नंदीश्वर में सदैव अच्छे दिन बने रहेंगे उसी का प्रतीक है विनम्रता जी का चतुर्मास। मैं ये पंथिया महाराज श्री आपकी आज्ञा हो तो फिर दो चार मिनट बोली जाए है, नहीं तो नहीं नहीं, नहीं बोलो बोलो बोले। अच्छा मैं कह सकता हूं, सूरज ने आलेख लिखा है, छाप दिया है नव में। मैं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी को याद करते हुए समय सागर जी को नमोस्तु करते हुए आपके चरणों तक आता हूं। सूरज ने आलेख लिखा है, छाप दिया है नव में, और विद्यासागर जैसे योगी दुर्लभ है जग में। विद्यासागर जैसे योगी दुर्लभ है जग जग में। तारों के सौदागर जब तक नब में हाट लगाएंगे, सुनना बहुत जोर गौर से, तारों के सौदागर जब तक नभ में हाट लगाएंगे, और सितारे रात को द्वारे बंदरवार सजाएंगे, और सितारे रात के द्वारे बंदरवार सजाएंगे, तारों की महफिल में जब तक गीत चांदनी गाएगी, तारों की महफिल में जब तक गीत चांदनी जाएगी, और सूरज की लाली धरती के अधरों पर मुस्काएगी, सूरज की लाली धरती के अधरों पर मुस्काएगी, और जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी परधान रहेगा, जब तक नभ में इंद्रधनुष का सतरंगी परधान रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा। जब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा, यही प्रार्थना है गुरुवर, हम सब विनम्र हो जाएंगे। यही प्रार्थना है गुरुवर, हम सब विनम्र हो जाएं, और सिद्धालय जाने वालों का दीक्षा दिवस मनाएं, सिद्धालय जाने वालों का दीक्षा दिवस मनाएं। जल तरंग बज उठे नदी में, जल तरंग बज उठे नदी में, और संतूर हवाओं के, हमने दीक्षा देखी ललितपुरम महाराज की, हम थे उस समय, महाराज श्री भाव तो हमारे हो गए थे, पर उस दिन एक कवि सम्मेलन था तो पोस्टपोन कर दी थी, तब फिर हो ही नहीं भाई आज तक। जल तरंग बजे उठे नदी के, और संतूर हवाओं में, और 22 बरस पुराना दिन गुजरा आज निभाओ में, 22 बरस पुराना दिन गुजरा आज निभाओ में, धरती ने अपने आंगन में डाली थी रंगोली। क्या हुआ था ललितपुर में, बैठे हमारे बहुत से लोग, धरती ने अपने आंगन में डाली थी रंगोली, सूरज ने ये दृश्य देखकर अपनी आंख भिगोली, और आनंद हिलोरे मार रहा था निर्द्वंद समय की नदिया में, आनंद हिलोरे मार रहा था निर्द्वंद समय की नदिया में, और विनम्र फूल का जन्म हुआ था विराट सागर की बगिया में। पुण्यवान था शहर ललितपुर जिनने पुण्य समेटा था, पुण्यवान था शहर ललितपुर जिनने पुण्य समेटा था, और इनकी दीक्षा को हमने अपनी आंखों से देखा, इनकी दीक्षा को हमने अपनी आंखों से देखा था। कठिन रास्ता चुना आपने सागर के तैरैया, कठिन रास्ता चुना आपने भव सागर के तैरैया, उफनाते सागर में तुमने डाल दी अपनी नैया, अब खुद ही छैनी, समझना वकील साहब विजय भाई साहब, खुद ही छैनी, साधु क्या करते हैं, खुद ही छैनी, खुद ही हथौड़ा और खुद को ही गढ़ते हैं, खुद ही छैनी, खुद ही हथौड़ा और खुद को ही गढ़ते हैं, और फूलों का एहसास लिए कांटों पर चलते हैं, फूलों का एहसास लिए कांटों पर चलते हैं, देख तुम्हारा रूप दिगंबर मन श्रद्धा से झुक जाता है, देख तुम्हारा रूप दिगंबर मन श्रद्धा से झुक जाता है, और दुनिया में बस यही रूप है जो सिद्धालय ले जाता है, दुनिया में बस यही रूप है जो सिद्धालय ले जाता है, बेही पार लगे दुनिया।
दुनिया से जिनने छोड़े अंबर, बेही पार लगे दुनिया से। महाराज श्री प्रमोद चौधरी जी हमें माला पहना रहे, हम बहुत खुश हैं। महाराज माल अच्छा हो तो बाद में फिर पहना ही देते, भरोसा हो जाएगा ठीक है आदमी। बेही पार लगे दुनिया से जिनने छोड़े अंबर, और युग युग तक पूछे जाएंगे ये निर्गंत दिगंबर। बेही पार लगे दुनिया से जिनने छोड़े अंबर, हर युग में पूजे जाएंगे ये निर्गंत दिगंबर। और सारी दुनिया डूब रही है भोगवाद के रंगों में, और जिंदगी गीत गा रही सुविधाओं के छंदों में, रास रंग की महफिल हर बस्ती में रंग बिखेर रही है। कामुक होके समय की मंडी अपने ग्राहक घेर रही है, और देह राग की खुशबू से जब महक रहा हर कोना, देह राग की खुशबू से जब महक रहा हर कोना, तब साधारण खेल नहीं है निर्गंत दिगंबर होना। तब साधारण खेल नहीं है निर्गंत दिगंबर होना। दीक्षा दिवस ही कहता है ठहरो रे मुसाफिर, दीक्षा दिवस यही कहता है ठहरो अरे मुसाफिर। बिन मंजिल के चलते चलते कहां जाओगे आखिर, बिन मंजिल के चलते चलते कहां जाओगे आखिर। बहुत चले अब चलना छोड़ो, खुद से नाता जोड़ो। बहुत चले अब चलना छोड़ो, खुद से नाता जोड़ो। भूल जाओ सब बातें अपनी, सबसे नाता खुद से नाता जोड़ो। यही भव सागर से पार लगे बैठे हम उस नाव में, भव सागर से पार लगे बैठे हम उस नाव में। और अच्छे दिन सदा बने रहे भगवान नैमिनाथ के गांव में। इसी पवित्र भावना के साथ मैं उनके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सिद्धालय पहुंचे, हम लोगों को भी मदद करें सिद्धालय पहुंचाने में। पुनः आयोजन समिति के हम बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार पुनः आप सब तालियों का प्रयोग करें चंद्रसेन जी के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।